स्टूडेंट्स वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की क्लास में आज हम हॉब्स लॉ और रूसो का जो तुलनात्मक अध्ययन है उनकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हॉब्स लॉ और रूसो तीनों ही अनुबंधवादी कॉन्ट्रैक्चुअल लेखक हैं और तीनों विचार को ही नागरिक समाज की स्थापना से भी पूर्व जो प्राकृतिक अवस्था है और तीनों उसके बारे में कल्पना करते हैं। तीनों जो विचारक हैं ये तीनों ही प्राकृतिक अधिकारों और प्राकृतिक कानूनों के से होने वाली या हम कहें कि आज जो भी व्यवस्थाएं हो गई है कि संपत्ति जनसंख्या की वृद्धि हो गई है इन सबसे छुटकारा पाने के लिए जो एक कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध किया गया था उसकी आवश्यकता पर भी विचार करते हैं। हॉब्स लॉ तीनों ही विचारक जो हैं संप्रभुता के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में व्याख्या करते हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि तीनों ही विचारक अपनी तीनों के सामान्यता होते हुए भी तीनों के विचारों के अंदर इनमें कुछ भिन्नताएं भी हमको दृष्टिगोचर होती हैं जिनका हम तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा कुछ निष्कर्ष निकाल पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था थी और जो मानव प्रकृति हम या ह्यूमन नेचर के बारे में इन तीनों विचारकों के जो विचार हैं उनको हम देखते हैं तो प्राकृतिक अवस्था और मानव प्रकृति के संबंध में ये तीनों विचारक हॉब्स लॉक और रूसो एक दूसरे से समझौतावादी विचारक होते हुए भी या सामाजिक अनुबंध में चर्चा करते हुए भी तीनों के विचार एक दूसरे से हमको अलग अलग प्रतीत होते हैं। जहाँ हॉब्स के लिए प्राकृतिक अवस्था एक बर्बर जंगली समाज की अवस्था है, वहीं लॉक के लिए यह बर्बरता की नहीं अपितु शांति और सहयोग की अवस्था थी। और जो विचारक हैं रूसो उनके लिए ये व्यवस्था आदर्श और परमानंद की अवस्था थी। तो हम देखते हैं कि हॉब्स लॉक और रूसो तीनों प्राकृतिक अवस्था के बारे में अलग अलग स्थितियों पर चर्चा करते हैं। जहाँ हॉब्स प्राकृतिक अवस्था से पहले किसी एक सामाजिक अवस्था पर विचार कर रहा है, वह ये कह रहा है कि जो हॉब्स में वो अपनी प्राकृतिक अवस्था में बता रहा है कि मनुष्य जो है वो बहुत क्रूर है, कपटी है, दुष्ट है और उसे सही गलत या अच्छाई बुराई का ज्ञान नहीं है और वो मात्र भूखे भेड़िए की तरह और अपनी भूख और वासना को शांत करने वाला ही वो उसको मानता है। और जब ऐसा मान रहा है तो ये ऑब्वियस है कि उस समय की जो सोसाइटी होगी बहुत संघर्ष में होगी या सुरक्षित होगी और सभी लोग एक दूसरे के शत्रु भी होंगे। तो ये भी ऑब्वियस है कि इसी अवस्था में जो शक्ति होगी या पावर होगी वही न्याय का आधार होगी और जो अपना सर्वाइवल कर लेगा या सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस की जो अवधारणा है वो हमको हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में दिखाई देती है कि हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में एक ऐसी अवस्था है कि जहाँ पे सोसाइटी युद्ध की स्थिति में है, व्यक्ति है बहुत बुरा है, स्वार्थी है, अहंकारी है या हम कह सकते हैं पाशविक है और उसकी जो व्यवस्था है या उसका जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा एकाकी और जंगली अवस्था का है। तो ये हम देखते हैं कि हॉब्स का प्राकृतिक अवस्था और मानव स्वभाव के बारे में उसकी सोच ये काम करती है। वहीं हम देखते हैं लॉक कि लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था है वो समाज निर्माण के पूर्व की अवस्था उसको नहीं मान रहा है, उसके लिए वह राजनीतिक समाज के पूर्व की अवस्था है। हॉब्स के लिए व्यक्ति जहाँ हमने देखा कि बर्बर स्वार्थी या बुरा ईर्ष्यालु है, लॉक के लिए व्यक्ति ऐसा नहीं है। लॉक का ये मानना है कि जो समाज की व्यवस्था थी या जो एक पूर्ण व्यवस्था जो पहले थी प्राकृतिक अवस्था जो जिसमें थी उसमें व्यक्ति शांतिप्रिय सहयोगी और सहअस्तित्व विश्वास करने वाला था और वह व्यक्ति सद्भावना प्रेम और समानता के गुण उसमें विद्यमान थे। तो उसकी जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें वह व्यक्ति ऑब्वियस है क्योंकि चूँकि वो अच्छा है तो कानूनों के अधीन की जो व्यवस्था है या कानून या विधि का जो शासन है उसके अधीन वह रहता है और साथ ही साथ वो अच्छी अपनी स्वतंत्रता और संपत्ति और जीवन के अधिकारों का अच्छे से उपभोग
कर रहा है। तो जब हम हॉब्स को देखते हैं, उसकी प्राकृतिक अवस्था एक एक्सट्रीम पे हमको दिखाई देती है, जहाँ वो प्राकृतिक अवस्था और मानव स्वभाव दोनों के बारे में एक्सट्रीम्स पे जाके कहता है कि वो अच्छे नहीं थे, और जब वो मनुष्य अच्छा नहीं तो ऑब्वियस से प्राकृतिक अवस्था भी जंगली अवस्था थी। लेकिन जब हम लॉक पे चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें वह ये बात कर रहा है कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा है, सहयोगी है, तो ऑब्वियस है कि उसकी जो प्राकृतिक अवस्था है या जिस प्राकृतिक अवस्था की वो चर्चा कर रहा है वो अच्छी थी, विधि के अनुकूल थी। तो हम ये देख रहे हैं कि हॉब्स और लॉक दोनों एक्सट्रीम्स पर हैं, जहाँ एक अच्छाई को लेकर चल रहा है वहीं एक बुराई को लेकर चल रहा है। रूसो पे अगर जब हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि रूसो की जो प्राकृतिक अवस्था है वे उन दोनों के बीच की स्थिति पे विश्वास रखता है। वे ये कह रहा है कि मनुष्य बहुत अच्छा भी नहीं है लेकिन वह बहुत बुरा भी नहीं है। उसका जीवन एकाकी अवश्य है परंतु वह संतुष्ट, स्वस्थ और निर्भय जीवन व्यतीत करता था। उसमें दुष्टता नहीं थी परंतु यह भी नहीं कहा जा सकता कि उसके पास सद्गुणों का कोई भंडार था। उसमें उसकी जो प्रवृत्तियाँ आई जो उसके अंदर जो बेसिक इंस्टिंक्ट थे, तो यह अवश्य है कि उनमें विवेक, न्याय की भावना नहीं थी, उसको प्रेम का भी ज्ञान नहीं था। लेकिन फिर भी रूसो का मानना है कि उसकी जो प्राकृतिक अवस्था है या उसका जो मानव स्वभाव है उसमें मनुष्य या मानव एक अच्छा भला असभ्य जीव है, जिसको हम नोबल सेवेस भी कह सकते हैं। कि प्राकृतिक अवस्था के संबंध में रूसो का मानना है कि ये व्यवस्था शायद कभी विद्यमान ही नहीं रही और शायद ये कभी विद्यमान भी नहीं होगी। तो हम ये देखते हैं कि रूसो का जो मानव का जो स्वभाव है वो अपनी बीच की स्थिति को बनाए रखता है, और या वो संतुलन की स्थिति में विश्वास रखता है कि मनुष्य बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, और उसकी जो प्राकृतिक अवस्था है वो भी उसके बीच की स्थिति है, मध्य संतुलन की वो बात करता है। दूसरे पॉइंट पे जब हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को लेके भी हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों इसकी बात करते हैं, तीनों इसकी व्याख्या भी करते हैं, लेकिन उनकी व्याख्या और उद्देश्य हमको अलग अलग प्रतीत होते हैं। जहाँ हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में जब हमने देखा कि वो अपनी प्राकृतिक अवस्था को बर्बर और क्रूर मानता है, और जब यह देखता है कि मनुष्य जब इस व्यवस्था से छुटकारा पाना चाहता है तो उसने अपनी जीवन की सुरक्षा के लिए कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अनुबंध किया, जो क्योंकि वो इस बर्बर व्यवस्था से वो छुटकारा पाना चाह रहा है। लॉक क्या कह रहा है कि मानव ने या व्यक्तियों ने प्राकृतिक अधिकारों और प्राकृतिक कानूनों को सुनिश्चित करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। ये बिल्कुल डिफरेंट बात पर कह रहे हैं वो। जब हम रूसो की बात करते हैं तो रूसो कह रहा है कि प्राकृतिक व्यक्तियों ने प्राकृतिक अवस्था में अपने उस समय जो संपत्ति की संकल्पना है या जनसंख्या वृद्धि से जो समस्याएं हो रही है इनसे पार पाने के लिए या इन असुविधाओं से छुटकारा पाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। तो हम तीनों विचारकों को जब हम देखते हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले पॉइंट के अंदर कि समाज के अंदर राजनीतिक समाज की स्थापना जब हुई है, एक पॉलिटिकल सोसाइटी की या एक नागरिक समाज की स्थापना की जब हम बात करते हैं तो तीनों इसको अपने अलग अलग तरीके से व्याख्यित करते हैं कि अनुबंध की आवश्यकता क्यों हुई। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि हॉब्स और रूसो का जो अनुबंध है वो हमको एक पक्षीय दिखाई दे रहा है कि यहाँ व्यक्ति व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, या रूसो भी यही कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट व्यक्ति को जो सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उससे छुटकारा पाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन रूसो जो लॉक का जो अनुबंध है उसके अंदर हमको अंतर दिखाई देता है। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि लॉक का जो संप्रभु है, जो सॉवरन है, वो अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट का पक्षकार है, उसका परिणाम नहीं।
जबकि रूसो का जो अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट है वो हॉब्स की बात ही है, एक टिल्टेड है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष को संप्रभु नहीं बनाया गया है, बल्कि वो एक सामान्य इच्छा जनरल विल के रूप में सोसाइटी का स्वयं ही संप्रभु बन जाता है। तो हम ये देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के तीनों विचार अपने अपने तरीके से अनुबंध को परिभाषित कर रहे हैं। जहाँ हॉब्स राज्य और शासन में भेद नहीं कर रहा है इसमें, वहीं पे लॉक और रूसो राज्य और शासन में भेद कर रहे हैं। तीसरी बात जब हम आगे की चर्चा करते हैं इसी टॉपिक को, तो हम देखेंगे संप्रभुता के संबंध में हॉब्स, लॉक और रूसो के क्या विचार है। आगामी कक्षा के अंदर हम इसी पॉइंट पर चर्चा करेंगे और इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।